जब भी हम कोई घर लेने की सोचते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई भी प्रॉपर्टी देखते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें घूम रही होती हैं, क्योंकि एक एवरेज इंडियन फैमिली के लिए घर लेना पूरी जमा पूंजी लगा देना होता है, क्योंकि केवल ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होती है, इसमें हमारी फैमिली के काफ़ी इमोशंस भी जुड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत बिष्ट फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सस्ता घर पे। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर लोगों में घर लेते टाइम देखी जाती है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लेकर, और इसी कन्फ्यूजन में कभी कभार वो गलत फैसला ले लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप कोई भी गलत फैसला तब लेते हैं जब आपके पास उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए सस्ता घर आपको आज वो सारे पॉइंट्स बताएगा जो आपको घर लेते समय ध्यान में रखने चाहिए, और साथ ही साथ बताएगा आपको अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए दोस्तों, सस्ता घर अपना हर वो प्रयास करता है जो आपके हित में जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम अपने आप को कैसे अवेयर रखें ताकि हम कोई भी गलत डिसीजन लेने से बच सकें। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का। हमें प्रॉपर्टी की पूरी चेन के बारे में पता होना चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कोई प्रॉपर्टी पे कोई ड्यूज तो नहीं चल रहे। दोस्तों, हम इसके लिए किसी भी लीगल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं। अगर हम किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हम बिल्डर की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, उनका प्रीवियस कंस्ट्रक्शन चेक कर सकते हैं, और इससे हमें अपना डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट पर, जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका एग्रीमेंट टू सेल कराना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये एक ट्रांसपेरेंसी रखता है बिल्डर और बायर के बीच में, और इसमें वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जो बिल्डर आपको देते हैं आपकी प्रॉपर्टी में। अब हमें बिल्डर बायर एग्रीमेंट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी का टाइटल उस पर मेंशन होना चाहिए। जो भी बिल्डर आपको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, यानी कि जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एग्रीमेंट उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। आपकी सारी पेमेंट्स उस एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए जो भी आप स्टार्टिंग से देते हुए आ रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें फ्यूचर की पेमेंट जो आप देने वाली हैं वो भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। दोस्तों, बिल्डर और बायर एग्रीमेंट में हमारे पास सारी स्पेसिफिकेशन भी मेंशन होती हैं कि बिल्डिंग में आपके क्या क्या राइट्स होने वाले हैं, पार्किंग के क्या राइट्स होने वाले हैं, टेरेस के क्या राइट्स होने वाले हैं, आपको बिल्डर उस बिल्डिंग में क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हमें बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम बिल्डर के साथ ये एग्रीमेंट करने जाते हैं। अब आपको बताते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, सबसे पहला अंतर होता है पोजीशन का। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आपको पोजीशन इमीडिएट बेसिस पे मिल जाती है, वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको वेट करना पड़ता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जितनी भी पेमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन होती हैं वो 2 से 3 महीने के अंदर क्लियर हो जाती हैं, और वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 20-30% चीपर मिल जाती है आपको रेडी टू मूव के मुकाबले में। दोस्तों, अगर एप्रिसिएशन की बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको अच्छा एप्रिसिएशन देती है रेडी टू मूव के मुकाबले में। अब बात करते हैं पेमेंट्स के बारे में। दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हमें पेमेंट्स के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। हम बिल्डर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक ऐसा पेमेंट प्लान बनाते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, बिल्डर की कन्वीनियंट के लिए, ताकि आपका जो पेमेंट का प्रोसेस हो बिल्कुल स्मूथ हो। मगर रेडी टू मूव में आपको जो भी पेमेंट्स करनी होती हैं, जो भी आपका वर्क होता है पेमेंट्स को लेकर, वो जल्दी से जल्दी क्लियर करना होता है। अब बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन ऑप्शन की। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि रेडी टू मूव फ्लैट में हम किसी भी तरीके का कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं करा पाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग फ्लैट बिल्कुल आपका रेडी होता है। वही अंडर कंस्ट्रक्शन में हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने फ्लैट को कस्टमाइज अपने तरीके से करा सकें, घर की टाइल से लेके किचन तक का कलर खुद चूज कर सकें, और अपने घर को सुंदर और उसकी लुक को इन्हेंस कर सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। दोस्तों, कहीं ना कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर लेते टाइम लोगों के दिल में थोड़ा सा डर होता है कि कहीं पोजीशन डिले हो गई तो उनका मकान उनको नहीं मिला तो ये अक्सर उनके दिल में देखा जाता है, उनके मन में एक डर होता है। वहीं यही डर आपका रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में कम हो जाता है। मगर दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, रेडी टू मूव के रिगार्डिंग जो भी मैंने आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट में सारी जानकारी दी थी कि कैसे आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट कराना चाहिए, आपको अवेयर किया था कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अगर आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट करते हुए वो चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी तरीके की कोई भी गलती करने से बच जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के काम आएंगी, और आप घर लेते समय इन सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे।
सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, मगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरी हो तो नीचे फ्लैश होते हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, सस्ता घर टीम से बात कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं जो है www.sastaghar.in। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मैं पुनीत बिष्ट अब आपसे अलविदा लेता हूं और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।